व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? ओके, आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं मेरे स्टूडियो को सेटअप, क्योंकि बहुत दिन हो गए और मुझे वीडियो शूट करना है। मैं बहुत टाइम से फिल्म नहीं कर रही हूँ। एक स्यापा हो गया, मतलब तगड़ा वाला स्यापा हो गया। मुझे नहीं पता मैं कैसे इसको सॉर्ट आउट करूंगी, बट आज मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा। सो ये स्टूडियो नंबर 1 है और वो स्टूडियो नंबर 2 है। इसमें तो एसी चालू हो गया। बाय द वे कर्टन्स भी लग गए हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है। सोफे की बैंड कैसी गंदी हो, सब कुछ इतना गंदा हो रहा है ना इस वक्त। जो मेरा स्टूडियो है उसमें जो एसी लगा है, उस एसी को चलाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जो पावर सॉकेट होता है ना वो फिट नहीं आ रहा है। मतलब मेरा प्लग पावर सॉकेट में फिट नहीं हो रहा है। तो शूट करना आज तो पॉसिबल नहीं होगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं एटलीस्ट सेटअप कर लूँ चीज़ें। हद ही कचरे की तरह पड़ा हुआ मेरा सामान, तो ये सोफ़ा उस कमरे में शिफ्ट कर दूँगी आज मैं, और जितना सामान लगा सकती हूँ अब मैं लगाने की कोशिश करूँगी, सो दैट कल मैं शूट कर सकूँ। और कल मुझे एक वीडियो एडिट करके देना भी है ब्रांड को, तो बहुत टेंशन है बाबा। मैं इस रूम में करने क्या वाली हूँ, आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस कॉर्नर जहाँ पे मैं खड़े होकर के आउटफिट्स क्लिक करा सकूँ। देन आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस बैकड्रॉप वाला, दूर से दिखाते तो समझ में आएगा, जहाँ पर मैं सिट डाउन वीडियो शूट कर सकूँ। यहाँ पर इस वॉल पे मेरा सोफा आएगा, तो मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। मतलब नॉट एग्जैक्टली पॉडकास्ट, बट ऐसे यू नो सिट डाउन चिल वीडियोज, टॉक थ्रू वीडियोज, तो वो यहाँ पे सोफे के ऊपर आएंगे। सो ये फिलहाल आइडिया है, बाकी तो चीज़ें जैसे जैसे मैं रखती जाऊँगी वैसे वैसे मेरे को समझ में आता जाएगा। प्रॉबेबली ये वाली वॉल पे या फिर इस वाले कॉर्नर पे मैं सोच रही हूँ अपना जितना भी मेकअप है वो सारा कुछ यहाँ पे इस कॉर्नर में आ जाएगा मेरा। तो उस कॉर्नर का वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, बट लाइट वाइट का सिस्टम वहाँ पे रहेगा। यहाँ पे मेरी इस जगह पे मेरी लाइट्स रख जाएंगी, तो शूट करने में इजी रहेगा। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक राइट नाउ, देख लो आप अच्छे से 360 डिग्री व्यू। नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसा दिख रहा है फाइनली, जितना मैं आज कर पाती हूँ करती हूँ, बिकॉज कल हर हालत में मुझे शूट करना है। इस कमरे की वाइब थोड़ी ज्यादा कूल लग रही है मुझे उस कमरे के कंपेरिजन में, फॉर सम रीजन, बिकॉज नो पर्पल कलर है, बड़ा शांत फील हो रहा है पर्पल को देख करके। A few hours later. I just came downstairs खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद जो नींद आ रही है ना मुझे, वो लेवल आई कांट इवन टेल यू, यू कैन सी मेरी आंखों से कि लाइट कितनी अच्छी लग रही है, लुक सो नाइस। एनीवेज, मैं इतना सा काम करती हूँ और इतना सारा थक जाती हूँ। द रूम इज नॉट इवन डन, लाइक इतना सा। आई जस्ट होप आई कैन शूट टुमारो। मेरे पास अभी 1 घंटा और है, मैं वापस ऊपर जा रही हूँ, और जितना भी मैं थोड़ा सा कर पाऊंगी आज करने की कोशिश करती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि रूम में ना एको ना आए, बस दैट्स इट, दैट्स माई टारगेट फॉर नाउ। एंड धीमे धीमे करके इट्स अ प्रोसेस स्टूडियो बिल्ड करना, तो विल सी हाउ इट गोज। एंड या इट्स अ प्रोसेस। आई फील लाइक मेरा स्टूडियो सेटअप इज नेवर एंडिंग। लाइक देर वॉज अ पॉइंट इन माई लाइफ जब सब चीज़ें एकदम परफेक्ट थी, लाइट परफेक्ट थी, ऑडियो क्वालिटी परफेक्ट थी, एंड आई एम बैक टू स्क्वायर वन। ना मेरी लाइट अच्छी होती है, ना मेरा ऑडियो अच्छा होता है। आई हैव टू गेट अ माइक ऑल्सो हैव टू टेस्ट अ माइक जो मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि वो जब भी मैं कैमरे में प्लग इन करती हूँ देर इज अ स्ट्रॉन्ग हिसिंग नॉइज, जो कि फॉर सम रीजन मैं उसको ठीक नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए अब मैं उसको लैपटॉप में लगा के चेक करने वाली हूँ, तो अगर ठीक रहा प्रॉबेबली मैं शूट कैमरे से करूँगी और ऑडियो जो है वो लैपटॉप में रिकॉर्ड करूँगी। बट ये लैपटॉप भी अलग नॉइज कहता है, इसकी फैन करके आवाज आती रहती है। आई वॉन्ट टू स्लीप, नो आई कांट, आई हैव टू गो एंड वर्क, लेट्स गो। कि मुझे ऊपर काम करना था, मैं सबसे पुराने वाले शूज पहन कर आई हूँ, बिकॉज दीज आर सुपर कम्फर्टेबल, और मैंने वॉश किया था अभी, तो मैंने कहा भाई इनका ही उद्घाटन कर दिया जाए, बिकॉज आई विल बी वॉकिंग अराउंड अ लॉट। सो चूजी व्हेन इट कम्स टू शूज स्पेसिफिकली, क्योंकि आई डोंट नो मेरे तलवे, आई एम श्योर ऐसे और भी लोगों के साथ में होता होगा, बट मेरा तलवा ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। सॉफ्ट नहीं कहूँगी, मतलब इट्स लाइक मैं थोड़ी भी हार्ड चप्पल नहीं पहन पाती, और अगर होती है तो पूरा तलवा दर्द होता है, एंड देन वो जो पेन है वो मेरे घुटनों तक आ जाता है। तो इसलिए आई एम वेरी वेरी चूजी अबाउट व्हाट आई एम वेयरिंग। मैं ऐसी कोई भी चप्पल नहीं पहन सकती। आई माइट हैव लाइक आई यूज टू हैव लाइक अ लॉट ऑफ चप्पल स्ट्रीट साइड से मैं ले लेती थी अगर मुझे अच्छी लगती थी, बट देयर इज नाउ अ टाइम इन माई लाइफ I just can't wear anything, shoes specifically. I like Skechers as a brand for my legs, because for my feet, because they are super comfortable, and उनका जो memory foam वाला range है ना, that just works for my feet for some reason, and मेरे पैरों में दर्द नहीं होता है, so I like them. अभी recently भी मैंने लिया है एक purple shoe Skechers का ही, so they are really good. मैंने किन्स से भी एक दो शूज़ लिए थे, those are also good. मैंने जो लाजपत नगर से खरीदे थे ना, those sadly weren't good, because उनमें हील्स काफ़ी थी। उसमें एक शू था जो एक सैंडल थी जो काफ़ी अच्छी थी,
जो कि टूट गई है. सो या कहानी ऑफ माई जूताज. दैट्स वाई आई जस्ट लाइक टू वेयर जो चीज़ें मेरे को सूट कर रही होती हैं पैरों में. कॉमेंट डाउन बिलो अगर आप भी ऐसे ही हो और आपको भी जो है हर कोई जूता सूट नहीं करता, लेट मी नो बिकॉज आई वॉन्ट टू फील दैट आई एम नॉट अलोन. चलो ऊपर चलें, कारपेट ले लेती हूँ यहाँ से. सो वी गॉट सम न्यू क्लोदिंग मटीरियल ऑल्सो, क्लॉथ का मटीरियल. दिस इज़ ब्रॉड रिब्ड एंड इसकी मैं बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनवाने वाली हूँ. सो वी गॉट इन 4 कलर्स, मरून, एंड देन दिस इज़ अ बीज कलर, एक हमारे पास ब्राउन में भी है एंड अ ब्लैक. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन बिकॉज बॉडीकॉन ड्रेसेस बहुत अच्छी निकल के आएंगे इसकी. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर के. चलो आई एम शूटिंग अपने आईफोन से, तो इसलिए कैमरे के सामने मेरा हाथ बार बार आ जाता है. गर्मी कितनी जोर की हो रही है. लुक एट माई हेयर कलर, आई लाइक इट. लाइक जब रोशनी पड़ती है तब तो और भी सही लगता है. चलो भाई निपटाई डाले काम. कितना गर्म हो रहा है. हॉल रहा है कमरा, बिल्कुल मेरा हॉल रहा है. आई एम थिंकिंग इस जगह पे इस कारपेट को डाल दिया जाए, लेट्स सी कैसा लगता है. पता नहीं कैसा लगेगा ये, कुछ समझ नहीं आ रहा. उसका बल्ब टूट गया है. अब बाकी काम देखते हैं, लाइट्स सेटअप कर देते हैं. देखो ये होता है जब आप मूव करते हो. ये ड्रॉर थी, अब इसका एक पाया खो गया है. एंड देयर इज अनदर ड्रॉर. अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ बिकॉज आई कांट फाइंड दिस. सो अनबेरेबल. इतना गर्म हो रहा है यहाँ पे कि आई जस्ट कांट इवन ब्रीथ. इसलिए अभी मैं जा रही हूँ. मैंने थोड़ा थोड़ा सामान निकाल लिया करके लिए. ये ड्रॉर जैसे तैसे हर करके अरेंज कर लिया. एनी वेज जो शूट करना उसके लिए तो घर से सामान लाना है मुझे. आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द सामान. ऑल्सो ड्रॉर्स हैं जो नीचे अंकित के रूम में रखी हुई है, इनके कैबिन में रखी हुई है, वो भी सुबह यहाँ आ जाएंगे. जैसे सांस नहीं ली जा रही है, मतलब मेरी सांस फूल रही है. माई गॉड. मैं जा रही हूँ अभी यहाँ पे. फिलहाल जितना काम करना था तक कर लिया, बाकी कल देखा जाएगा. मुझे सिर्फ वो माइक्रोफोन ढूंढना है जो कि मैं अपने लैपटॉप में एक बार टेस्ट कर सकूँ. एंड देन आई थिंक मेरा काम खत्म हो जाएगा आज का. इस वाले रूम में इको नहीं हो रहा है फॉर सम रीज़न. उस रूम में ज़्यादा इको हो रहा है. एनी विच वेज, अभी इस पूरे हे स्टैक में आई हैव टू फाइंड माई माइक्रोफोन. ये अलग ही हेडेक है. दरवाजा भी काफ़ी आवाज़ कर रहा है, उसका भी कुछ करना पड़ेगा. खैर फिलहाल इसको देख लेते हैं. प्यास लगती है बहुत तेज़, पानी पी लेते हैं और इसको देख लेते हैं चलता है कि नहीं. अंकित यहाँ अमरूद के मजे उड़ाए जा रहे हैं, उड़ा रहे हैं. कैसा है, मीठा है? फीका है. कल वाला भी अच्छा नहीं था. बहुत ठंडा है, गला पकड़ लेगा ये. तुम्हें खा भैया, बहुत बहुत ठंडा है. डॉग बूम, दैट्स कफ्स एंड लैशेज, न्यू लोगो मैंने डिज़ाइन किया. कैसा लग रहा है कॉमेंट करके बताओ. अब सही लग रहा है, सी समझ में आ रहा है ना, सी और एल. वो थोड़ा सा मैंने कहा बहुत पास से देखोगे तो समझ में आएगा. आ रहा है. चलो फिगर फिक्स करते हैं इसको. मैं ऑलमोस्ट सारी डिज़ाइनिंग करती हूँ अपने प्रोडक्ट की भी और लोगों के भी. एंड आई शो यू, यहाँ पे मैं थोड़ी सी खुराफात करने जा रही हूँ. आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कैसे करती हूँ. मैं कैनवा यूज़ करती हूँ, बट आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो. मेरा कैनवा पेड है, बट आई थिंक अभी मार्केट में बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जो सिमिलर टाइप से परफॉर्म करते हैं. ओके सो आई यूज़ पेड. पेड में आपको 5 और लोग भी मिल जाते हैं, यूज़र भी, मतलब आप वो वाला वर्जन अगर लेते हो तो मेरे पूरा टीम फिर यही यूज़ करता है. ओके सो मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कफ्स एंड लैशेज. इफेक्ट्स पे गई. इफेक्ट्स में यहाँ पर ये कर्व है, मैं कर्व लेती हूँ. ओके एंड कर्व में आई वॉन्टेड टू गो लाइक दिस. अब मैं चाहती हूँ कफ्स एंड लैशेज इसके पूरे पेरिफेरल को मतलब समझ रहा हूँ, मतलब कैसे समझाऊँ मैं करती हूँ फिर दिखाती हूँ.
से मैंने सोचा था अच्छा लगेगा बट इट इज़ नॉट लुकिंग नाइस. मैंने ये तीनों अक्षरों को तोड़ कर इसके इस पर लेना लेके आना चाहती थी. जो मेरा विजन था वो निकल के नहीं आ पाया. सो या आई एम जस्ट गोइंग टू डू कंट्रोल जी एंड सारा का सारा हम वापस जैसा था वैसा कर देंगे. यस दैट्स इट गाइस. इट्स एक्चुअली द नेक्स्ट डे एंड कल ऑफिस से आके आई वाज सो टायर्ड. प्रॉबेबली वो सारा शिफ्टिंग मूवमेंट क्या कितना बुरा. ये देखो डबल चिन. ओके सो ऑफिस से आकर के सारा कल क्या बोल रही हूँ मैं. कल ऑफिस से आकर के काफ़ी थक गई थी मैं. तो कल मटर पनीर बनाया था बाय द वे मैंने. तो आते साथ ही मटर पनीर बनाने में लग गई. फिर मैं बहुत थक गई थी. तो आई स्लेप्ट एट 9:30 ओनली. मतलब इतना जल्दी तो मैं सोती नहीं बट कल बहुत ज़्यादा थक गई थी. अभी भी देख लो मुझे नींद आ रही. मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है था. आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप अगेन बट काम बहुत है आज और अर्जेंट वाला काम है. आई एम सो सॉरी. अब बहुत सारा काम है और काफ़ी सारा अर्जेंट वाला काम है तो इसलिए आई कांट टेक अ लीव. आज वैसे भी फ्राइडे है तो संडे दूर नहीं है इसलिए आई एम लाइक संडे आ रहा है. आई टेक अ छुट्टी ऑन संडे. आई डोंट वर्क ऑन संडे. आई जस्ट टेक दैट संडे फॉर माई सेल्फ. तो आज और कल बस दो दिन और काम करना है. मेरे पैरों में पता नहीं कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है. ऑल्सो बिकॉज मेरी चप्पल टूट गई है जो मैं घर में पहनती हूँ. तो उसमें ना छोटे छोटे ऐसे कांटे से निकले हुए हैं. वो सबसे सही रहती है मेरे पैरों के लिए. अगर मैं और दूसरी कोई भी चप्पल पहनती हूँ ना तो मेरे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है. लाइक आई सेड यस्टरडे ऑल्सो मैं बहुत चूजी हुई इन टर्म्स ऑफ चूजिंग माई चप्पल्स. अभी 9 बज चुका है. मैं उठ गई थी 7:45 पर उठ गई थी. आज आँख खुली जाती है बट वो मन नहीं करता ना उठने का. एनी वेज मैं नहाने जा रही हूँ अभी. ऐसी हालत हो रही है मेरी. अभी मैं नहाती हूँ फिर जाते हैं क्योंकि मेरे को गीले बालों का ड्रायर का कंपैरिजन वीडियो बनाना है. तो मैं फटाफट से नहा करके तुरंत ही निकल जाऊँगी जिससे कि मेरे बाल गीले बने रहें. बाय द टाइम आई रीच देयर मेरे बाल मेरे टी शर्ट से मैच हो रहे हैं. बाय द वे मामा ने एक न्यू हेयर केयर रेंज लॉन्च करी. इट्स देयर कर्ड एंड केराटिन शैम्पू एंड कर्ड एंड केराटिन conditioner. So this is what I'm going to use today. I'm really looking forward to using this because I know that curd is extremely good for your hair. मैं सिर्फ curd इसलिए नहीं लगाती क्योंकि वो बालों में से बाद में निकलता नहीं है मेरे. तो इसलिए मैं use नहीं करती. I've used it a couple of times, you know, अपने early 20s में. But जब से मैंने realize करा कि वो निकलता नहीं है ना तो मैंने use करना छोड़ दिया था. I'm so excited to use this. ये आपके बालों को अप टू 100% स्मूदर और शाइनियर बना देगा बिकॉज इट हैज केराटिन एंड कर्ड. तो हम जानते ही हैं कि बालों को स्मूद और शाइनी बनाने में हेल्प करता है. दिस इज मेड सब सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड ऑल हेयर टाइप्स पीपल कैन यूज. दिस वन रिटेल्स फॉर 349 rupees एंड जो कंडीशनर है वो भी 349 rupees का है. बट देर इज अ कूपन कोड. नो शैम्पू इज फॉर 349 कंडीशनर इज फॉर 349 एंड आपको अभी स्क्रीन पे कूपन कोड दिख रहा होगा. आप उसको यूज़ करके एक्स्ट्रा 20% ऑफ पा सकते हो ऑन मामा अर्थ की वेबसाइट. यू कैन शॉप दिस नॉट जस्ट ऑनलाइन बट फ्रॉम अ शॉप नियर यू एज वेल क्योंकि ये सब जगह अवेलेबल है अब. एंड एवरी टाइम यू शॉप आपका जो ऑर्डर है वो एक रियल के प्लांट या ट्री के साथ में लिंक कर दिया जाएगा. रियली एक्साइटेड टू यूज दिस बिकॉज वी ऑल नो दैट कर्ड जो है वो एक नेचुरल कंडीशनर होता है एंड वही केराटिन जो है आपके बालों से फ्रिज को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है और बालों को स्मूथ करने में भी हेल्प करता है. सो ओवरऑल दिस विल हेल्प रिड्यूस फ्रिज स्मूदन योर हेयर एंड दिस इज everything that I need क्योंकि कलर कर करके मैंने अपने बालों को काफ़ी डैमेज कर लिया है. एज यू कैन सी मेरे बालों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है. एक्सट्रीमली ड्राई फ्राइड एंड नॉट इन अ गुड शेप. सो लेट्स पुट दिस टू टेस्ट एंड सी कि मेरे बाल कैसे हो पाते हैं इसको यूज़ करने के बाद. सो फॉर नाउ इट्स नॉट इन अ गुड शेप लाइक एक्सट्रीमली लुक एट दैट. ओ सो मैं वॉश करके आती हूँ अपने बाल देन आई विल शो यू. आई एम बैक. आई एम नॉट किडिंग यू गाइस बट माय हेयर फील्स सो सॉफ्ट. बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से फील हो रहे हैं. दे स्टिल वेट तो सूख करके आई विल जस्ट लेट देम एयर ड्राई एंड देन यू नो जस्ट गेट दैट. अभी आई जस्ट लव हाउ दे फील राइट नाउ. एनीवेज इनको मैं थोड़ा सूखने दूंगी तब तक मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ एंड उसके बाद हम ऑफिस निकलते हैं. खाना वाना ऑलरेडी हो चुका था मतलब बन चुका था. सो फटाफट से आई गेट रेडी. मतलब आई एम ऑलमोस्ट रेडी. जस्ट वेयरिंग दिस ओवर साइज शर्ट फ्रॉम जारा एंड द सेम पैंट्स दैट आई वॉज वेयरिंग येस्टरडे. सेम कपड़े मतलब आई ट्राई कि पिछले दिन जो पहना उसका एक हिस्सा मैं अगले दिन भी ट्राई पहन सकूँ सो दैट थ्रू आउट द डे मैं ज़्यादा कपड़े गंदे ना करूँ.
जस्ट ट्राइंग टू गेट बैक टू माई ऑफिस लाइफ अगेन. शुरू में तो मैं पजामा टी शर्ट में ऑफिस चली जाती थी बिकॉज आई वॉज नॉट यूज टू गेटिंग ड्रेस्ड अप एंड देन गोइंग टू ऑफिस. स्लोली मैं सीख रही हूँ एंड आई गेट अप, आई ड्रेस, तैयार होती हूँ एंड देन यू नो उसके बाद मैं ऑफिस जा रही हूँ. सो या लेट्स गेट ड्रेस्ड एंड देन वी लीव. ये देखो बिल्ला सेठ खेल खाल के थक गए हैं और सो गए हैं. बिल्लू बिल्लू से बात करो तो आंखें और बंद हो जाती हैं. ये देखो सीटी सुन के उठा, ये बंद सो गया. रुको बॉल फेंकना फिर से, कहाँ गई बॉल? वो उधर ही पड़ी है. अरे सोने दो, वो उठा, हट से उठा. छोड़ दो ना यार मुझे, मतलब मुझे ऑफिस तो छोड़ दो. A few hours later. मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल जाती हूँ. तो एक बज गया अभी वीडियो शूट करने के लिए मैं बैठ रही हूँ और मुझे आइडली 11:30 तक बैठ जाना चाहिए था बट आई वॉज डूइंग सम थिंग्स तो इसलिए नहीं हो पाया. मेरा ये एसी भी अच्छा खासा आवाज़ कर रहा है और ये कमरा ठंडा इतना हो नहीं रहा है. बहुत देर से चल रहा है एसी, शायद सामान नहीं है इसलिए सामान ही पर नीचे चलाना पड़ेगा. एक बार थोड़ा सामान इस रूप में रख जाएगा तो शायद जल्दी ठंडा करेगा. फिलहाल तो बहुत टाइम लग रहा है और आवाज़ देख रहे हो कितनी तेज़ आ रही है. सो मेरे को थोड़ा सा कंसर्न हो रहा है कि मेरे वीडियो में ऑडियो जो है गड़बड़ ना आए. सो वो मैं भी पहले टेस्ट कर लेती हूँ. फाइनली बहुत देर की जद्दोजहद के बाद मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया. आई एम जस्ट वॉचिंग सम न्यू फाउंडेशंस एंड या ठीक लग रहा है. आई एम ऑल्सो लाइक यहाँ पर भी हूँ वहाँ पर भी हूँ मैं. सो या आई विल सी यू गाइस थोड़ी देर में. एक एक वीडियो के लिए ना लाइक वीडियो टॉक थ्रू तो एक चीज़ होती है बट यू नो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जैसे क्लोजअप शॉट दिखाना, क्लोजअप टेक्सचर दिखाना, वो काफ़ी सारी हो जाती हैं एंड वो अगर मिस कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाती है बाद में एडिट करने जब आप बैठो तो. आई जस्ट क्लीन माई फेस विद दिस. मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऑडियो का टेंशन हो रहा है कि पता नहीं कैसा ऑडियो निकल कर आएगा. आई विल फिनिश माई फिल्मिंग, मेरी एक फ्रेंड भी आ रही है. सो यू नो आई विल सी यू गाइज इन अ बिट बिकॉज आई हैव टू फिल्म एंड दोनों चीज़ें नहीं कर सकती मैं. तो मैं शूट कर लेती हूँ पहले. और बाय द वे मेरे बाल, आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू एन अपडेट, मैंने कोम नहीं किया है बट लुक एट माई हेयर, इट्स नॉट इवन टैंगलिंग. द मामा अर्थ शैम्पू एंड कंडीशनर कर्ड एंड कैरेटिन इज अमेजिंग. जस्ट लुक एट माई हेयर, मैंने यू कैन सी मैंने कंघी भी नहीं करी है. देर आर कर्ल्स बट देर इज नो टैंगल. माई हेयर फील सो सॉफ्ट, आई कॉन्ट इवन टेल यू, मतलब बहुत ही सॉफ्ट फील हो. ओप्स, आई ब्रोक माई क्लचर, बट नो टैंगल एट ऑल, नो टैंगल एट ऑल. जस्ट लुक एट दैट, हाउ कूल इज दैट, वाओ. ओके सो दैट्स एन अपडेट. I'll show you the before and after also. मैंने अभी कंघी नहीं करी है. If I'll comb my hair, my hair will look so much better than this, I'm telling you. But I approve that shampoo and conditioner. Go for it if you want to try it out. The middle of my shoot, मेरा खाना आ गया. It's already 2:15. मैं सोच रही हूँ पहले खाना ही खा लेती हूँ so that भूख ना लगे बीच में. आई एक्चुअली ऑर्डर्ड सुशी टुडे. सो क्या एक्सपीरियंस था मेरा फॉर द फर्स्ट टाइम. सुशी नहीं है, आई ऑर्डर्ड सम कोरियन फूड एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई विल बी हैविंग अ प्रॉपर कोरियन फूड. दो चीज़ें ऑर्डर करी थी मैंने. सो वो रिव्यू देखना है तो मैं शॉर्ट्स पर डालूंगी बिकॉज आई एम गोइंग टू फिल्म द शॉर्ट. सकता है वहाँ नाली पे सुसु करने चला गया. ओके गाइस, आई जस्ट गॉट बैक होम. आज बैंड बज गई. ऑडियो आज बहुत प्रॉब्लम कर रहा था मेरा. आई जस्ट होप जितना मैंने आज शूट किया है वो अच्छे से हो गया हो. क्योंकि मैंने पहले एक बार वो पूरा वीडियो शूट करा, देन आई लिसन टू द ऑडियो. ऑडियो पूरी मफला हो रही थी, पता नहीं क्या मैंने यहाँ पे लगा हुआ था माइक, तो वो बार बार ऐसे ऐसे हो रहा था तो आवाज़ बहुत गड़बड़ हो रही थी. तो आई रीशॉट दैट होल वीडियो एंड आई जस्ट होप कि ठीक ठाक आया हो. आई जस्ट गॉट बैक होम, अभी 8:30 हो रहा है. फ्रेश फ्रेश होके बस मैं बैठी हूँ, लोगों को खाना दे दिया है एंड मैं डेटा ट्रांसफ़र करके देख रही हूँ कैसा आया है. गेटिंग द सेटअप राइट इज सच अ टास्क यू गाइस, सच अ टास्क. आई जस्ट होप कि विद टाइम मैं चीज़ें ठीक कर लूँ. इफ़ यू फॉलो मी ऑन माई ब्यूटी चैनल ऑल्सो प्लीज़ फॉर गिव मी फॉर द ऑडियो क्वालिटी, आई एम वर्किंग ऑन इट. मैं नया माइक वगैरह ऑर्डर करूँगी अभी. सो अभी मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज आज फर्स्ट टाइम शॉर्ट शूट करके देखा था तो पता चला क्या क्या चैलेंजेस हैं. मेरे पैरों का बाजा बजा हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा. एनी विच वेज, सो दैट वॉज टूडेज व्लॉग. आई होप यू गाइज लाइक इट. अगर अच्छा लगा है तो लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम.